मुरलीधर कुमार इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। तो ये पानी गर्म करने वाला केटली है, तो ये जो है रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। ये नहीं वर्क नहीं कर रहा है, तो ये देख लीजिए कितना वाट का है। 2000 वाट का पानी गर्म करने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। तो ज़्यादातर तो इसमें जो है स्विच फॉल्ट आता है, सबको चेक करना होगा 220 वोल्ट एसी में दे करके। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। तो इसमें जो है हम लाइट दे रखे हैं, और लेना होगा मल्टीमीटर, देख सकते हैं मल्टीमीटर ले लेंगे। इसको जो है एसी रेंज में रखना होगा, देख सकते हैं एसी रेंज में है। ये एनालॉग मल्टीमीटर है के पास, ये मल्टीमीटर तो इससे चेक कर लीजिए, नहीं तो आजकल तो डिजिटल मल्टीमीटर होता है। तो हम 250 के रेंज में देख सकते हैं, रख 250 के रेंज में। अब सबसे पहले यहाँ पर हमारा एसी आता है यहाँ पर, तो इस पर हम चेक करते हैं 220 वोल्ट एसी आ रहा है। करते ए टू जेड इसमें फॉल्ट बताने वाला हूँ। यहाँ से खोल लिए हैं, ये एलिमेंट है देख सकते हैं। तो इसका मेन वायर एक ये हुआ, यहाँ से इस तरह से आया हुआ है, और एक मेन वायर जो है ये हुआ। सबसे पहले एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, एलिमेंट सही है या नहीं है। काटा जो है बता रहा है एलिमेंट हमारा सही है, एलिमेंट सही है काटा बता रहा है। तो इसका मतलब ये है इसमें जो है स्विच ही फॉल्ट हो सकता है, स्विच ही खराब हो सकता है। तो चलिए अब स्विच को भी चेक कर लेते हैं, काटा नहीं बता रहा है देख सकते हैं। काटा नहीं बता रहा है। तो चलिए अब टेस्टर से भी चेक कर लेते हैं, इसमें लाइट दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए लाइट आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए जल रहा है लाइट, और यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो स्विच में भी फॉल्ट है, तो स्विच मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से यहाँ सटा के कनेक्शन कर देंगे। स्विच को डायरेक्ट कर रहे हैं, इंडिकेटर भी जलेगा और काम करने लगेगा। चलिए देख सकते हैं, देख लीजिए इंडिकेटर जल गया, लाइट आ रहा है, काम करने लगा। तो हम डायरेक्ट करके काम चला सकते हैं, नहीं हमारे पास स्विच नहीं है। अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट करके काम कर सकते हैं। देखिए स्विच को भी जो है खोल दिए हैं, यहाँ से पूरा खोल दिए हैं स्विच को। अब कोशिश करते हैं स्विच को ठीक करने का। तो यहाँ पे ये लाइट लाइन इन होता है और यहाँ से आउट होता है। तो यहाँ पे ही गड़बड़ी है, ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें जो है नहीं सट रहा है, यहीं पर गड़बड़ी है। चलिए कोशिश कर लेते हैं एक बार, देख सकते हैं स्विच को ठीक कर दिए हैं। अब स्विच इसमें फिट कर लेते हैं, फिट करने के बाद टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं। तो अब मैं इसमें देखिए पानी जो है डाल दिया हूँ, अब इसको पानी को गर्म करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इसको पैक कर लेते हैं, इसमें लाइन दे दी हूँ। अब स्विच यहाँ से ऑन कर रहे हैं देख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर इंडिकेटर जला हुआ है, इंडिकेटर जल गया है, और ये पानी गर्म हो रहा है। थोड़ा देर के बाद पानी ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। अब देख सकते हैं पानी हमारा गर्म हो गया है, ढक्कन को खोल रहे हैं, देख लीजिए इससे भाप बन के निकल रहा है, देख लीजिए पानी हमारा गर्म हो गया है। तो आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।